दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट थ्री में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस रेलवेज आईबीपीएस क्लर्क के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैथ्स के कुछ प्रश्न देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, कुछ टिप्स ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए आज हम पार्ट थ्री की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पार्ट टू में हमने दो प्रश्न दिए थे और कहा गया था कि इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और उसके जो उत्तर आएंगे वह कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो उन दो प्रश्नों पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो उसमें से पहला प्रश्न था, एक दो पटरियों वाले रेल मार्ग पर दो रेलगाड़ियाँ 200 किलोमीटर दूरी के दो स्टेशनों से एक ही समय पर छूटती है। उनमें रेलगाड़ी ए पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी विपरीत दिशा वाली रेलगाड़ी बी पूर्व की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तदनुसार 3 घंटे बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। दोस्तों, दो ट्रेन्स दो पटरियों पर चल रही है और दो स्टेशन्स है जिसके बीच में का अंतर है 200 किलोमीटर। एक पश्चिम की ओर जा रही है ए ट्रेन और दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में यानी पूर्व की ओर चल रही है। तो पहली वाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो हमें पूछा गया है कि 3 घंटे बाद उन दोनों ट्रेन के बीच में कितनी दूरी रह जाएगी। दोस्तों, दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, एक इस दिशा में चल रही है तो दूसरी इस दिशा में चल रही है, तो उनका सापेक्षित चाल यानी सापेक्षित गति जो होगी वह होगी ट्रेन ए का स्पीड और ट्रेन बी के स्पीड का योग। तो वह सापेक्षित गति हो जाएगी 50 प्लस 40 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उस ट्रेन की हो जाएगी, क्योंकि दोनों भी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक पूर्व की ओर चल रही है एक पश्चिम की ओर चल रही है। लिए ट्रेन 3 घंटे चलती है तो 3 घंटे में उन्होंने उनकी जो दूरी तय होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ स्पीड हो गया, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 9327 वो हो जाएगा 270 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस इतनी दूरी तय हो जाएगी। तो बचा हुआ जो अंतर होगा वो होगा 270 माइनस 200 किलोमीटर यानी दोनों ट्रेन के बीच में 70 किलोमीटर का फासला बचेगा, 70 किलोमीटर का अंतर रहेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न था, राहुल किसी कार्य को 20 दिन में तथा शाम 25 दिन में पूरा करता है। दोनों ने कार्य एक साथ शुरू किया तथा 5 दिन तक साथ में ही कार्य किया। इसके बाद शाम बीमार हो गया और तथा राहुल ने अकेले ही कार्य को किया, वह कितने दिन में शेष कार्य पूरा करेगा। दोस्तों, राहुल 25 दिन में एक कार्य पूरा करता है और शाम राहुल 20 दिन में कार्य पूरा करता है और शाम 25 दिन में कार्य पूरा करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 5 दिन तक लगातार काम करते हैं, लेकिन 5वें दिन बाद शाम बीमार होता है और जो बचा हुआ कार्य है, शेष कार्य जो है, वह राहुल को पूरा करना पड़ता है। तो वह कितने दिन में पूरा करेगा यह हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल जो है वह 20 दिन में काम करता है और शाम जो है वह 25 दिन में कार्य पूरा करता है। तो 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100,
25 is 100, 25 4 is 100, तो 20 और 25 का LCM जो है वह हो गया 100. तो हम ऐसा assume करेंगे, ऐसे मानेंगे कि जो पूरा काम है वह 100 units का है. तो यह 100 units का कार्य राहुल 20 दिन में करता है और 100 units का कार्य शाम 25 दिन में करता है. तो राहुल एक दिन में जो कार्य करेगा वह कितना करेगा, 25 is 100, तो 5 यूनिट का कार्य करेगा. और शाम जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 25 4 is 100, 4 यूनिट का काम पूरा करेगा. तो राम और शाम दोनों मिलके एक दिन में 5 और 4 9 यूनिट्स का काम करेंगे. अब दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट्स का काम कर रहे हैं, दोनों 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितने यूनिट्स का काम हो जाएगा, 9 5 = 45 यूनिट्स का काम हो जाएगा. यानी 5 दिन में वो 45 यूनिट्स का काम करते हैं. तो 100 यूनिट्स का काम है, 5 दिन में 45 यूनिट्स का काम उन्होंने पूरा कर दिया, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, 55 यूनिट्स का कार्य बच जाएगा. अब ये 55 यूनिट्स का कार्य किसे करना है, शाम तो बीमार हो गया, राहुल को करना है. तो राहुल 55 यूनिट का काम कितने दिन में पूरा करेगा यह हमें ज्ञात करना है. तो 100 यूनिट्स का कार्य वह राहुल 20 दिन में करता है, तो 55 यूनिट्स का कार्य कितने दिन में करेगा. तो यहाँ पर ये यूनिट्स यानी काम घट गया है तो दिन भी घट जाएंगे. तो इसलिए यह डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और पहले से डिवाइड करते हैं. तो यह हो जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 100, 0 गया, 2 5 = 10, 5 11 = 55. तो वह पूरा करेगा 15 दिनों में कार्य, सॉरी 11 दिनों में यह कार्य पूरा करेगा. तो राहुल बचा हुआ यानी शेष कार्य 11 दिन में पूरा करेगा. अगला प्रश्न है, ए एक संदूक को बी को, एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 924 रुपए में बेचता है तथा 5% का लाभ कमाता है, तो ए के लिए संदूक का क्रय मूल्य कितना होगा. दोस्तों ए एक संदूक को बी को बेचता है, वह 10% लाभ कमाता है और बी उसे सी को 924 रुपए में बेचता है, तो और 5% लाभ कमाता है, तो ए के लिए संदूक का क्रय मूल्य कितना होगा. तो हम ऐसे समझेंगे कि ए के लिए जो संदूक का क्रय वैल्यू है, क्रय मूल्य है, वो 100 है. अब ए बेचता है बी को 10% लाभ पर, तो 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपये, तो इसका मतलब वो उसे 110 रुपये में बेचता है. अब बी इसको 110 रुपये में खरीदता है और वो बेचता है सी को, तो कितना प्रतिशत लाभ लेता है, वह 5% का लाभ लेता है. यानी 110 पे 5% का लाभ लेता है, तो वो 5% हो जाएंगे 5 रुपये 50 पैसे, करेक्ट. 10% हो जाएंगे 11 रुपये और 5% हो जाएंगे 5 रुपये 50 पैसे, तो वह टोटल हो जाएगी अपनी 115 रुपये 50 पैसे. यानी सी को 100 रुपये क्रय मूल्य की संदूक 115 रुपये 50 पैसे में गिरती है, लेकिन एक्चुअल उसे वो कितने में गिर रही है, 924 रुपये में. तो हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे, इसे हम लिखेंगे कि 115 रुपये 50 पैसे जब उस सी को पढ़ते हैं तब उसकी क्रय वैल्यू होती है 100 रुपये. यानी सी को 115 रुपये 50 पैसे जब देने पड़ते हैं तब उसकी क्रय वैल्यू एक ही होती है 100 रुपये. तो 924 रुपये में जब सी को वह संदूक गिरेगी तो उसकी क्रय वैल्यू कितनी होगी, यह बढ़ गया तो यह भी बढ़ने वाला है. तो यह डायरेक्ट वेरिएशन है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 924 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 115 रुपये 50 पैसे. और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ₹800. तो 800 रुपये यह ए को संदूक 800 रुपये में गिरेगी, उसकी क्रय वैल्यू हो गई 800 रुपये. दोस्तों अगला प्रश्न है, एक रस्सी जिससे एक बछड़ा बंधा हुआ है 12 मीटर
से बढ़ाकर 23 मीटर रस्सी की लंबाई कर दी गई तो अतिरिक्त कितने घासयुक्त क्षेत्र पर वह चारा चर सकेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बछड़ा है, एक रस्सी से बांधा हुआ है, तो एक रस्सी से बांधा हुआ बछड़ा है, इसकी जो लंबाई है वह 12 मीटर की है, तो वह जो चरने वाला है इतने क्षेत्र में चरेगा, बराबर है। अब इसकी लंबाई बढ़ाई गई और वह बनाई गई टोटल 23 मीटर की कर दी गई, ये रस्सी की लंबाई, तो वह इतने क्षेत्र पर वह ज़्यादा चर सकेगा, इतने एरिया में। पहले इतने एरिया में चर सकता था क्योंकि 12 मीटर से बंधा हुआ था, अब वो लेंथ बढ़ा दी 23 मीटर कर दी गई, तो यह इतना क्षेत्र बढ़ जाएगा ज़्यादा का जिस पर वह बछड़ा घास चर सकेगा। तो अपने को इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये बड़े सर्कल का क्षेत्रफल, उसमें से अगर छोटे सर्कल का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा ये बढ़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो समझ लीजिए यह बड़ा वाला जो रेडियस है वह कैपिटल आर है और छोटा वाला रेडियस है वो छोटा आर है, तो हमको ये मिल जाएगा पाए आर स्क्वायर माइनस पाए आर स्क्वायर। ये बड़े क्षेत्र बड़े सर्कल का एरिया है, यह छोटे सर्कल का एरिया है, पाए कॉमन फैक्टर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाए होता है 22/7। बड़ा जो रेडियस है वह बड़ा रेडियस है 23 मीटर और छोटा रेडियस है 12 मीटर, तो वो हो जाएगा 12 स्क्वायर, तो 22/7 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा 23 माइनस 12 और होगा 23 अधिक 12, तो यह होगा 22/7, तो 23 माइनस 12 होता है 23 माइनस 12 होगा 11 और दूसरा होगा 23 प्लस 12 वह हो जाएगा 35। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 7 5 35 22 इंटू 11 इंटू 5, तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 1210 क्यूबिक मीटर। तो जो बढ़ा हुआ क्षेत्र है, यह जो अतिरिक्त घासयुक्त क्षेत्र है उस पर वह चारा चर सकेगा, उसका एरिया होगा 1210 क्यूबिक मीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब दो पुरुष एवं दो औरतों ने पार्टी छोड़ दी तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है, पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। बड़ा आसान सवाल है यह कि पुरुष और औरतों के बीच का जो अनुपात है वो 1:2 है, तो समझ लीजिए पुरुषों की संख्या x है और औरतों की संख्या हो जाएगी 2x, क्योंकि दोनों का अनुपात 1:2 है, लेकिन दो पुरुष छोड़ गए और दो औरतें छोड़ गई तो पुरुष हो जाएंगे x माइनस 2 और औरतें हो जाएगी 2x माइनस 2, तो यह दो का अनुपात जो है वो हमें दिया है x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 2, यह अनुपात हमें दिया है 1:3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 2 6, इधर मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे तो 2x माइनस 2, ये 2x इधर ले जाएंगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, तो वो x हो जाएगा 6, इधर ले जाएंगे तो माइनस 2 प्लस 6 यानी वो 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो गई, तो पुरुष थे वह हो गए 4 और औरतें जो हो जाएगी इसके डबल यानि 8, तो दोनों मिला के 12 हो जाएंगे, यानि उस पार्टी में जो लोग उपस्थित थे वो कितने थे, 12 लोग उपस्थित थे। दोस्तों चलिए अब दो प्रश्न आपके लिए है, 25 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों यह प्रश्न आपको सॉल्व करना है और आपका जो भी उत्तर आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए, क्योंकि इसके उत्तर हम अगले एपिसोड में यानी पार्ट नंबर 4 में इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है,
एक व्यापारी की पांच क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः 6,435 रुपए, 6,927 रुपए, 6,855 रुपए, 7,239 रुपए तथा 6,562 रुपए है, वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री 6,500 रुपए रहे। तो एक व्यापारी की पाँच महीनों की क्रमागत बिक्री दी हुई है और यह पूछा है कि छठे महीने में उसने कितनी बिक्री करनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री 6,500 रुपए रहे। तो दोस्तों, इन दो प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इन्हें सॉल्व कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिए, और लाइक कर गए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।